Hello students, how are you? Hope you all are doing well. So in the last class we were talking about the formation of Indian National Congress, and today we'll be talking about the moderates in the Indian National Congress. So initially when the Congress was formed, it was governed, or you can say जो prominent ideology Indian National Congress पे जो चली पहले के दौर पर जब वो बनी, तो उस ideology को हम लोग बोलेंगे moderate ideology, जिसको हम लोग नरम दल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सो हु वेयर द मॉडरेट्स, द मॉडरेट फेज। सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको याद रखना है मॉडरेट फेज कौन सा है इंटरनेशनल कांग्रेस में। मॉडरेट फेज है 1885 टू 1905, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फेज है मॉडरेट फेज। अब एक बात आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में थ्री टाइप्स के फेजेस चले। एक है मॉडरेट फेज, एक है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और तीसरा है गांधियन फेज। ये फेज जो है मॉडरेट फेज है, जो है अर्ली 20th सेंचुरी में जो चला, दैट इज 1885 टू 1905। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज चला 1905 से लेकर 1920 तक, और फिर 1920 से लेकर इंडिपेंडेंट इंडिया तक गांधियन फेज चला। तो दीज वेर द थ्री प्रोमिनेंट फेजेस जैसे इंटरनेशनल कांग्रेस आगे बढ़ी। तो कोई भी पोलिटिकल पार्टी के ऊपर में एक आइडियोलॉजी जो है काम करती है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में हमेशा ग्रुप्स जो है वो रूल करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम लोग आज का एग्जांपल ले लें, तो बीजेपी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी अगर हम लोग लेते हैं, तो वहां पे भी कुछ ग्रुप्स हमको देखेंगे जो मोदी के साथ खड़े होते हैं और कुछ मोदी के विरोध में खड़े होते हैं। जैसे जो ओल्ड ब्रिगेड है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाइवर्टेड लगती है। और वैसे अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस में भी कुछ इसी प्रकार के हम लोग आज भी ग्रुप देख सकते हैं। कुछ राहुल को सपोर्ट करते हैं, कुछ सोनिया गांधी को सपोर्ट करते हैं। सो इन द इनिशियल फेज जब वो कांग्रेस बनी, तो वहां पे जो फेज चला वो था मॉडरेट्स का फेज। तो बेसिकली हु वेयर दिस मॉडरेट्स, एंड व्हाट इज द राइज ऑफ मॉडरेट्स, हाउ डिड दे राइज। दे वेर अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया हु वर एक्टिव बिटवीन 1885 टू 1905, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मॉडरेट ग्रुप्स ड्रॉ फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो जो मॉडरेट्स थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे। तो उसके अंदर से कौन कौन थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और ज्यादातर जो लोग थे वो इंग्लैंड में एजुकेशन लेके आए थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दादा भाई नौरोजी का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। सो दीज वेर द मॉडरेट्स। सो मॉडरेट्स जो है, मॉडरेट्स को ही अर्ली नेशनलिस्ट बोलते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट कहा जाता है उन्हें। मॉडरेट्स का जो तरीका था वो संविधानिक था। वो संविधानिक दायरे के अंदर में जो है काम करना चाहते थे, पीसफुल मींस के थ्रू वो काम करना चाहते थे। दे वर नॉट वेरी वायलेंट, ठीक है। उनको ऐसा लगता था, मॉडरेट्स को ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल है, वो एक जो है वो बून है। उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो है इंडिया में बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और ब्रिटिशर्स जो भी रूल करने का जो उनका तरीका है वो बहुत अच्छा है, और इससे भारत को बड़े लेवल पे फायदा होगा, ऐसा उनको कहीं ना कहीं लगता था। मेनी टाइम्स हमको पूछा जाता है एग्जाम में कि इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स कौन कौन है। तो इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स के सारे नाम आपको याद रखने हैं, बेसिक जो प्रोमिनेंट लीडर्स है वो आपको याद रखने हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, दीनशाह वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स है जिनके नाम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडरेट लीडर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमिस्ट लीडर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडरेट फेज इन द इंडियन एजुकेशन, इंडियन क्या बोलेंगे स्वतंत्र संग्राम में जो है कौन सा था मॉडरेट फेज कौन सा था। सो मॉडरेट्स ने अपना जो रुख है, अपना जो अप्रोच है, जो अप्रोच उनको रखना था ब्रिटिशर्स के सामने, तो किस प्रकार का अप्रोच उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रखा, लेट अस गो थ्रू इट। अप्रोच ऑफ मॉडरेट्स, द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक के जो डिमांड्स है वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करने थे। तो किस तरीके से प्रेजेंट किए उन्होंने, विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशंस, विद द हेल्प ऑफ पेटिशंस, मीटिंग्स, विद द हेल्प ऑफ पैम्पलेट्स, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशंस। तो डेलीगेट जाता था और जाके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के सामने या फिर गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स वो लोग रखते थे। तो ये आप देखोगे तो पीसफुल मींस उन्होंने यूज किया है, इट्स नॉट वायलेंट, दे वर वेरी पीसफुल। और ये आप देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मींस है, संविधान के दायरे के अंदर में काम करना है। सो जो भी एक्ट के अनुसार इंडिया रूल हो रहा है उसके अंतर्गत ये लोग जो है काम करने की कोशिश करते थे। सो और क्या किया इन्होंने, और किस तरीके की अप्रोच थी मॉडरेट्स की, मॉडरेट्स चाहते थे कि भारतीयों को पढ़ाया जाए।
दे वॉन्टेड टू एजुकेट, और एजुकेट करने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सियसनेस नेशनलिज्म के लिए, नेशनल स्पिरिट जो है नेशनलिज्म बढ़ाया जाए कि हम इंडिया के लोग हैं, अभी हम राजा वाजा के लिए हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, हम इंडियन ने चलाने की कोशिश करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लोगों के प्रश्न है, जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, ये हम लोग जो है सरकार के सामने रख सकेंगे। सो इस तरीके की जो अप्रोच है मॉडरेट्स ने रखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपको रट के रखना है कि किस तरीके का अप्रोच था और क्या कौन से मीन्स उन्होंने यूज किए हैं, रेजोल्यूशंस, पेटिशंस, मीटिंग्स, पैम्पलेट्स, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशंस। सो व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, सो डिमांड्स रख रहे थे मेमोरेंडम के थ्रू, जो है इन सब चीजों के थ्रू हमने देखा, अभी पेटिशंस के थ्रू, रेजोल्यूशंस के थ्रू डिमांड रख रहे थे मॉडरेट्स। तो ये डिमांड्स में था क्या एग्जैक्टली, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला डिमांड तो ये था मॉडरेट्स का कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको बढ़ाओ और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में जो है इंडियंस को मेंबरशिप दो। तो आप बोलेंगे सर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861 में बना था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में वाइसरॉय और जो उस वक्त के प्रोविंसेस थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इनमें से कुछ मेंबर्स थे और इनसे जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना हुआ था। जैसे एक मुझे लेना है अगर आज की अगर बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद, ये सब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या मतलब, ये घर जो है एक घर बना था, ये 1861 में बना था। तो मॉडरेट्स ये चाहते थे कि उसको एक्सपांड किया जाए और उसके अंदर में जो है इंडियंस को मेंबरशिप दी जाए। सो और क्या चाहते थे मॉडरेट्स, व्हाट वर द डिमांड्स, डिमांड ऑफ होल्डिंग ICS एग्जामिनेशन, ICS एग्जाम जो है वो इंग्लैंड में होती थी, मॉडरेट चाहते थे कि ये जो ICS एग्जाम है वो इंडिया में हो, साइमल्टेनियसली इंडिया में और इंग्लैंड में एक साथ हो, और हमारों को मतलब इंडियंस को जो है जो बड़े लेवल, बड़ी जो पोस्ट है, ऑफिसर पोस्ट है, हमको भी मिले इसके थ्रू, इस ICS एग्जाम के थ्रू, दिस वॉज द डिमांड। वॉट वेर द एल्स, मोर पावर्स फॉर द लोकल बॉडीज, नो व्हाट यू अंडरस्टैंड मतलब वर्ड लोकल बॉडीज, सबको पता है लोकल बॉडीज पंचायत राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, तो लोकल बॉडीज को जो है ज्यादा पावर्स दी जाए ताकि जो है पावर का जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। रिडक्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्मी, आर्मी पे बहुत खर्च कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जब पावर था, फिर अभी पावर चेंज हुआ है, वाइसरॉय आया है यहाँ पर, तो ये जो आर्मी के ऊपर खर्च कर रहे हो आप, वॉर्स कर रहे हो, ये सब स्पेंडिंग आप कम करो और थोड़ा सा स्पेंडिंग हमारे ऊपर में करो, हम इंडियंस के ऊपर में करो, साल्ट टैक्स एबॉलिश करो, शुगर ड्यूटी कम करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके आओ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमको भी जो है फ्रीडम दो बात करने का, हमको भी एसोसिएशन फॉर्म करने का, हमको भी हमारे जो राइट्स है वो आगे रखने का जो है हमको भी फ्रीडम दो। सो दीज वेर द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। सो मॉडरेट्स अपनी डिमांड्स रख रहे हैं ब्रिटिशर्स के सामने, तो कुछ ना कुछ तो अचीव हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा इन मॉडरेट्स ने, खैर बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया लेकिन कुछ हद तक अचीव किया। सो व्हाट वेर द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, तो सबसे पहला पॉइंट है दे क्रिएटेड अ नेशनल अवेकनिंग अमाउंट पीपल, लोगों के अंदर में एक राष्ट्रत्व की भावना निर्माण करने में कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे मतलब सक्सेस मिला उनको, सेकुलरिज्म, लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों को उन्होंने पॉपुलराइज करने की कोशिश किया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया, यहां भी यहां इन चीजों में भी उनको थोड़ा बहुत सक्सेस मिला। सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मॉडरेट्स को कुछ मिला है, तो दैट इज पासिंग ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, पासिंग ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट अलग से पढ़ने वाले, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ने वाले, कुछ काउंसिल एक्ट थे जैसे कि काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1891, काउंसिल एक्ट ऑफ 1891, काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसको हम लोग मिंटो मॉर्ले भी कहते हैं, फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये कुछ एक्ट्स है, इन एक्ट्स के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में काम करते थे, तो इन एक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मॉडरेट्स का था कि भाई इनके वजह से जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पारित हुआ और उसमें इंडियंस को कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कुछ मिले, इंडियंस के हाथ में कुछ पावर्स है, थोड़े ज्यादा पावर्स नहीं थे एकदम बहुत हल्के से, लेकिन यहां से शुरुआत हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है। सो ये कुछ थे अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। सो मॉडरेट्स के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट इनको क्रिटिसाइज करने लगे, कई लोग इनको आज क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मेथड्स उन्होंने यूज किए, मेमोरेंडम्स, पासिंग रेजोल्यूशंस, पैम्पलेट्स, मीटिंग्स, ये जो मेथड्स है ये कुछ खास मेथड्स नहीं है, ये इनएडिक्वेट मेथड है, इन मेथड से हम लोग बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर सकते।
और उसके बाद में जो इनका दूसरा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि भी दे फेल टू रियलाइज दैट ब्रिटिश जो है ब्रिटिश वॉज यूजिंग इंडिया रिसोर्सेज. तो यहाँ पे कोलोनाइजेशन हुआ है, इंडिया का इंडिया कोलोनाइज हुई है. सो कोलोनाइज कोलोनाइज में क्या होता है, कोलोनाइजेशन में क्या होता है, मदर कंट्री जो है पूरा वेल्थ लेके जाती है. तो ब्रिटेन में पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, पूरा इंडिया से पैसा ब्रिटेन जा रहा था. तो ये लोगों तक तो नहीं पहुंचा पाए मॉडरेट्स. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट. तो मॉडरेट्स यहां कहीं ना कहीं फेल हो गए, वो इंडियन इंटरेस्ट जो है वो नहीं बता पाए लोगों को. ब्रिटिशर्स जो है लूट कर रहे थे यहाँ पे, लूट किस तरीके से लूट मचा रखी थी, ये लोगों तक तो नहीं पहुंचा पाए. और जो मॉडरेट्स का जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रभाव था, वो एजुकेटेड क्लास, अर्बन एजुकेटेड क्लास के ऊपर में था, जैसे कि जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स. तो ये है क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडरेट, ये इनके बारे में कुछ क्रिटिसाइज किया जाता है. तो आज का टॉपिक हमने जो कवर किया दैट इज मॉडरेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या टेक अवे पॉइंट्स क्या है, टेक अवे पॉइंट्स है कि मॉडरेट्स का फेज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन सा है वो आपको याद रखना है, 1885 to 1905, ये मॉडरेट फेज आपको याद रखना है. दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे, मॉडरेट्स के जो कौन लीडर्स थे, लीडर्स के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र, उमेश चंद्र बनर्जी और दिनशा वाचा, दादा भाई नौरोजी, रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं उसके बारे में. और क्या याद रखेंगे आप, इनके जो मेथड्स थे, मेथड्स आपको याद रखने हैं, जैसे पैम्पलेट, जैसे कि पासिंग रेजोल्यूशन, जैसे कि मेमोरेंडम्स, ये मेथड्स आपको याद रखने हैं. और क्रिटिसिज्म, कौन कौन इनको क्रिटिसाइज करता है, क्या क्या इनके अचीवमेंट्स थे, 1892 का एक्ट ये भूलना नहीं आपको कि ये उनका अचीवमेंट था. तो ये सब हम लोगों ने आज मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा. बाकी चीज़ें हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे. होप आपको ये चीज़ें समझ में आई. तो आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.